महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने अल्मोड़ा जिला जेल में बंद कैदियों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने जेल अधीक्षक से चर्चा और विचार विमर्श किए। बता दें कि लंबे समय से दिए गए प्रशिक्षण के बाद अल्मोड़ा जिला कारागार में बंद कैदी फर्नीचर, सजावट के सामान, फूल माला बनाने के साथ मशरूम की खेती कर रहे हैं। जेल दौरे के दौरान महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने कहा कि कैदियों को सुधारने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल में कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इन उत्पादों को बाजार में बिक्री के लिए व्यवस्था कराई जा रही है ताकि कैदियों को आर्थिक लाभ मिल सके और सजा काटने के बाद कैदी अपराध की दुनिया छोड़कर आत्मनिर्भर बन सके। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। मैं भी कई बार मैंने जेल का दौरा किया है और पहले दौरे से ही हम लोग इस प्रयास में रह रहे हैं कि कैदियों को पुनर्वास के लिए यहाँ से बाहर जाने के बाद कैसे सकारात्मक अपना जीवन जिएंगे। तो उसी क्रम में मशरूम उत्पादन जेल में हो रहा है, फूलों की मालाएं बनवाई गई और ये बांस के कई वॉल हैंगिंग्स और पेन स्टैंड आदि कई चीज़ें बनाई गई, उन्हीं को लेकर के आज उसी की समीक्षा के लिए जेल पांती जी से बात हुई और उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग स्वयं से ही अपने अपने स्तर से उसकी ऑर्डर दे करके उसकी बिक्री करेंगे और आगे भी हम लोग इसके लिए कई स्थानों पर इनको रखवा कर इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए काम करेंगे।